बड़ी खबर क्यों करेंगे, बड़ी जानकारी उस बीच आ रही है टोहाना से, जहां पर कॉलेज छात्राओं ने किया रोड जाम। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है टोहाना से, कॉलेज में सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज हैं छात्राएं, और इसी के चलते गुस्साई छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की है। टोहाना से बड़ी खबर, मोटी फीस देने के बावजूद सुविधाएं नहीं है। आरोप इनका है कि मोटी फीस ली जाती है लेकिन कोई भी जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं दी जा रही हैं। कॉलेज प्रबंधन ने आरोप को निराधार बताया है, उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, निराधार है सारे आरोप। परमजीत संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, क्या कुछ नाराजगी इन छात्राओं की परमजीत सिंह? जी जी, यहाँ पर जो है संस्था का स्कूल है श्री दुर्गा महाविद्यालय, और यहाँ पर शिक्षा कराए हैं, और इनका कहना है कि हमारे से जो है वो मोटी फीस तो ली जाती है लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता। इन्होंने कॉलेज प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि कॉलेज में ना तो पानी की सुविधा है और बसें जो है पुरानी बसें हैं और बसें जो हमेशा खराब रहती हैं, और उन बसों का कोई भी उनको ठीक नहीं करवाया जाता, जिस कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये टोहाना क्षेत्र में एक भी कोई भी सरकारी गर्म कॉलेज नहीं है, और ये इनका कहना है कि इसी निजी कॉलेज को जो है सरकारी कॉलेज बनाया जाए, और या फिर कोई ना कोई इस क्षेत्र में जो है लड़कियों के कॉलेज की सरकार और प्रशासन द्वारा व्यवस्था करवाई जाए। जी परमजीत, अभी कोई ने आश्वासन दिया गया है, इनका प्रदर्शन अभी भी जारी है, और कॉलेज प्रबंधन का क्या कुछ कहना है इस ओर? नहीं, अभी जो है जाम लगा हुआ है और कॉलेज प्रबंधन या पुलिस प्रशासन जो है समझाने बुझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जो छात्राएं हैं अपनी बात पर अड़ी रही हैं, और जो जाम है फिलहाल जो का त्यों लगा हुआ है, और प्रशासन जाम खुलवाने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है छात्राएं इस बात के लिए जाम खोलने के लिए इनकार कर रही है। परमजीत छात्राओं का क्या कुछ कहना है, कब से इस तरीके की परेशानियां बनी हुई है? ये बीते काफी दिनों से जो है ये छात्राएं बता रही हैं कि इनको परेशानियां आ रही थी, और इन्होंने बार बार जो है कॉलेज प्रबंधन को बार बार आगाह भी किया और इसके बारे में अवगत भी करवाया, और जब समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो मजबूरन जो है छात्राओं पर सड़क पर उतरना पड़ा और रोड जाम करना पड़ा, और इन्हों छात्राओं ने प्रशासन व जो है कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ भी नारेबाजी कर आरोप लगाए हैं कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा जो है किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं दी जाती, इसीलिए इन्हें रोड जाम करना पड़ा है, रोड जाम लगा हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत सिंह इस तमाम जानकारी के लिए, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अभी भी जो जाम है वो स्थिति बनी हुई है, मान मनोबल का दौर जो है वो चल रहा है कि अभी फिलहाल कम से कम जो ये जाम है उसे खुलवाया जाए, और पुलिस जो है वो मौके पर है, लेकिन अभी भी छात्राओं का कहना है कि जब तक व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होती तब तक ये प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। तो कॉलेज छात्राओं ने हंगामा किया है, मोटी फीस लेने का आरोप लगाया है कॉलेज प्रशासन पर, और बावजूद इसके कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही।